हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सीखो जरा हटके में। आज मैं इंडिया के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो आपने पहले शायद ही कहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन रेलवे में करीब 14 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो मोनेको आइसलैंड जैसी कई छोटी कंट्री की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। दोस्तों, इंडिया की जनसंख्या करीब 130 करोड़ से भी ज़्यादा है। पूरी दुनिया में इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर दुनिया के हर धर्म के लोग रहते हैं। हम जो USB यूज़ करते हैं वो एक भारतीय ने बनाई है, जिसका नाम है अजय भट्ट और वो इंटेल कंपनी में काम कर रहे। पूरी दुनिया में हमारा इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने एक ही बार में सैटेलाइट को मंगल ग्रह पे भेजने में कामयाबी हासिल की। दोस्तों, हमारे देश में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस है जो श्रीनगर में है। दोस्तों, पूरी दुनिया में मैंगो टी और मिल्क के उत्पादक के बारे में इंडिया नंबर वन पे। अमेरिका के 22% डॉक्टर और 40% साइंटिस्ट इंडिया के हैं। इतना ही नहीं, नासा में काम कर रहे साइंटिस्ट में से 35% साइंटिस्ट हमारे इंडियन है। दोस्तों, कई स्टडी के दौरान पता चला है कि इंडिया के लोगों को जीनियस और तेज दिमाग वाले लोग माने जाते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले हमारा भारत देश पूरी दुनिया में सबसे अमीर देश था। इंडिया को हीरो का देश भी कहा जाता है। 1850 तक पूरी दुनिया में हमारा इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश था जहां पर हीरे पाए जाते थे। प्लास्टिक सर्जरी की खोज भारत में हुई थी। महर्षि सुश्रुत ने लगभग 2600 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी का उपयोग किया था और जिसकी जानकारी उस पर लिखी गई बुक सुश्रुत संहिता में मिलती है। हमारे इंडिया के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम 26 मई 2006 को स्विट्जरलैंड गए थे। उसी दिन के बाद स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने 26 मई को स्विट्जरलैंड का नेशनल साइंस डे घोषित कर दिया, जो हमारे लिए गर्व की बात है। शैम्पू का आविष्कार भारत में हुआ था। इसका नाम संस्कृत के शब्द चंपू से लिया गया है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है और इसका दूसरा पार्ट जल्द ही आएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप दूसरा पार्ट मिस ना करें।